हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा। नमस्कार आपको सुबह की। और आज 3 मार्च हो गई है और 9 बजा है, तो आपको मैं अपना वीडियो, एक नया वीडियो बना के दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे केयर करते हैं पिटोनिया की मार्च में, फरवरी से लेके मार्च में। क्योंकि जाड़ों में तो ये खूब बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा मौसम बदल जाता है तो इनकी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत मेरा हमारा प्लांट है पिटोनिया का। बहुत सारे हमारे पास प्लांट हैं, तो मैं आपको एक प्लांट दिखा रही हूँ कि इसमें कैसे केयर करें इसको। और ये अगर जो थोड़ी सी भी केयर करें तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग परमानेंट होती रहती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे मैंने फरवरी में इसकी कटिंग कर दी थी, जनवरी में इसकी फ्लावरिंग हो चुकी थी, तो मैंने फरवरी में शुरू में ही इसकी कटिंग कर दी थी, डीप कटिंग। जैसे लंबी 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 इसमें डाले जब हो जाती हैं, लंबी लंबी सी फ्लावरिंग होने के बाद, तो उनको वहाँ से कटिंग कर दीजिए। जब कटिंग कर देंगे तो वहाँ से नए नए बड़ निकलेंगी और नए नए फ्लावर बढ़िया निकलेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे इसका रिजल्ट कितना दिखे, नए नए फ्लावर्स, नए नए बर्ड्स निकल रहे हैं, नई नई ब्रांचेस, ये देखिए जगह जगह से छोटी छोटी सी, क्योंकि मैंने कटिंग इनकी कर दी थी। कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे ये कटिंग मैंने की थी, वहीं से फिर नई ब्रांच, नई बर्ड्स निकलती हैं। तो और इसकी गुड़ाई करने के बाद में मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र और सरसों की खली, जो होता है सरसों खली की मैंने आपको बताया था, उसकी किनारे किनारे से इसमें मैंने खाद दे दी थी। और अब देखिए आप इसका रिजल्ट कितना खूबसूरत। और इसमें जो घास फूस जम जाती है तो उसको, सूखी पत्तियां जैसे, उसको तो हटा दिया करें। जब हटा देंगी तो आप उसका बढ़िया गमला आपका बस उसी पे एनर्जी देगा, फ्लावर पे। और नहीं तो अदरवाइज़ जैसे ये छोटे छोटे से प्लांट जम आते हैं, ये इनको जब हटा देंगी आप, ये देखिए जैसे छोटी छोटी घास जमाती, तो जब इसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो इसी प्लांट को केवल एनर्जी मिलेगी। और जब खाद आप देंगी, और ये देखिए, हर ऐसा नहीं होता जिस दिन इसमें फ्लावरिंग ना हो और सूखा फ्लावर में हटा देती, सूखा जब फ्लावर सूख जाए जब, तो उसको हटा देना चाहिए। तो वहाँ से दूसरा, क्योंकि ये सूखे फ्लावर भी बहुत एनर्जी लेते रहते हैं, तो हर प्लांट में जो सूखी पत्ती है, इसमें तो बहुत कम मेरे पत्तियाँ सूखी हैं, क्योंकि मैं सूखी पत्ती सब काट पीट के मैंने सब साफ़ सुथरा अपना गमला ला करके और उसमें खाद पानी देने के बाद में मैंने इसको दिखा रही हूँ मैं आपको कितना अच्छा सा फ्लावरिंग कर रहा है। और बहुत सारे हमें लग रहा है इसमें गिने तो 100 फूल से कम नहीं होंगे, बहुत फ्लावरिंग है, भयंकर फ्लावरिंग है। और थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फ्लावरिंग अगर जो आप खाद पानी सही से देते रहें तो बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है ये। और इसको, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा प्लांट बना भी सकती हैं। दूसरे प्लांट बनाने के लिए आप यहाँ से जैसे जो कटिंग है, जैसे यहाँ ये है कटिंग, अगर ये कटिंग आप इसको काट के यहाँ से, जैसे यहाँ से काट लिया और आपने किसी पॉट में रिसेंट में लगा दिया, तो उसकी ग्रोथिंग फिर से हो जाती है और फिर से आपको आपका नया प्लांट बन जाता है। तो मैंने बहुत सारे नए प्लांट बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। और फ्लावरिंग अगर जो आप सही से इसमें खाद, टाइम टाइम से खाद देती रहेंगी, तो आपकी देखिए कितना बड़ा फ्लावर आया, कितने बड़े बड़े फ्लावर से खिले हैं और बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग हुई है। बस इतना सा ही आप अगर जो इसमें ध्यान देंगी तो आपका जो पिटोनिया के फ्लावर्स हैं, बहुत दिन तक अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होती रही। अप्रैल के बाद थोड़ा सा फ्लावर देना कम हो जाते हैं, तो अगर जो खाद वाद आप सही से दें, गुड़ाई करें, तो फ्लावरिंग होती रहती है। उसके बाद में उसी से प्लांट आप नए ग्रो कर सकती हैं। और एक बात और है, जैसे आपका ये फ्लावर सूख गया, फ्लावर सूखने के बाद में इसी में बीज होता है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि इसी के अंदर बीज होता है, बीज से भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकती हैं नए सीजन के लिए। तो मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो हरा भरा है, इसमें बीज नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जब फ्लावर सूखते हैं तभी इसमें बीज बन पाते हैं। जब एंडिंग में होगा इसकी फ्लावरिंग, तो मैं अब इसका बीज इकट्ठा करूँगी, फिर बनाऊँगी, आपको नया वीडियो बना के दिखाऊँगी। और आपको आशा है हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़, और मेरे लिंक को आगे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।